बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून से स्टिंग मामले में पूर्व सीएम को सीबीआई का नोटिस। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस सौंपा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने घर जाकर नोटिस तामिल करवाया, तो वही पूर्व सीएम हरीश रावत घर पर इस दौरान मौजूद नहीं थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जो स्टिंग मामले में पूर्व सीएम को सीबीआई का नोटिस आया है। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस सौंपा है। हालांकि सीबीआई ने घर जाकर नोटिस तलब करवाया था, तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत इस दौरान घर पर मौजूद नहीं थे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जो स्टिंग मामले में हरीश रावत को नोटिस भेजा गया है। वैसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली जी जुड़ गए। राजेश जी, जिस तरीके से अब स्टिंग मामले में हरीश रावत जी को जो है नोटिस भेजा गया है, कांग्रेस की मुश्किलें क्या बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए जागृति जी, सब बीजेपी के पचपन है, राजनीतिक पचपन है, जिसको बीजेपी पिछले 9-10 साल से खेलती आ रही है। और कांग्रेस के तमाम लोग जानते हैं इन बीजेपी ने जो भी कुचक्र देश में रखने का प्रयास किया है, उसको कांग्रेस के लोग बखूबी जानते हैं कैसे तोड़ना है। आप जानते हैं हरीश रावत जी उत्तराखंड के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, देश के सबसे बड़े नेता हैं, और जिस प्रकार जानते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी प्रबल दावेदार हैं, तो किस प्रकार हरीश रावत जी को कुचक्र में फंसाया जाए, इसमें बीजेपी चाहती है कि हम उनको किसी तरह से ट्रैक करें। लेकिन आप भी जानते हैं पूरे देश भर ने वो सीबीआई का जो उस टाइम स्टिंग करा था, उसमें माननीय हरीश रावत जी ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, कोई लेन देन की बात नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि ज्यादा अच्छा था कि उत्तराखंड की भाजपा की सरकार, जिसकी सरकार में 22 भर्ती घोटाले हो गए हैं, अगर सीबीआई उस चीज पर अगर उत्तराखंड आती है और इंक्वायरी करती, तो उत्तराखंड के युवा, तमाम युवा, हम सब लोग धन्यवाद देते कि सीबीआई निश्चित रूप से जो भर्ती घोटाले हैं उसकी जांच करी। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें अंकिता के माता पिता ने भी आज वीडियो जारी किया है कि हम आत्महत्या करेंगे अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, उस पर अगर सीबीआई जांच हो जाती तो ज्यादा अच्छा था। हम चाहते थे प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने किस प्रकार से 72 भर्ती घोटाले अनैतिक तरीके से। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी भी जुड़ गई हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, राजेश चमोली जी का तो साफ तौर पर कहना है कि ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, और हमेशा से इसी तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। देखिए जागृति जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस को अपना बचाव करने के लिए ऐसे आरोप लगाने पड़ रहे हैं। देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने बोया है वो उनको काटना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का बार बार नाम जो बीच में ले रहे हैं, इनसे ये बचने वाले नहीं है। पहली बात, ईडी जिस प्रकार से अपनी कार्यवाही कर रही है, जो उसका समय है वो सुबह आएगी। मैं चाहता हूँ सुनीता जी ये कहें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पे आरोप लगा था कि उन्होंने 25 लाख रुपए की घूस ली थी झारखंड के किसी व्यक्ति से, क्या सीबीआई ने उसके जांच की है? उत्तराखंड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, हाकम सिंह द्वारा, संजय धारीवाल द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा नौकरी हटी की जा रही है, क्या उसके सीबीआई जांच करेगी? हम किसी करेंगे विद्यार्थी जी को उनकी बात मंत्री खुलेआम को बेच चुके हैं, बीजेपी के सीएम के नेता आरोप लगा रहे हैं, उससे क्यों कार्रवाई करती भारतीय जनता पार्टी? जिस प्रकार से हरीश रावत ने बोला कि वो मुद्दे का कोई वजूद नहीं है, जिस मुद्दे को पिछले 5-6 साल से बंद रखा गया, अब उस पर सीबीआई ने जांच करने आगे बढ़ी, और इसमें सहयोग की राजेश जी, अगर आप बात साफ है तो फिर सीबीआई जो प्रक्रिया जो कार्रवाई कर रही है उसमें तो फिर योगदान देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर जागृति जी, ये जो पूर्ण रूप से मैं सीबीआई को सहयोग करूंगा, सीबीआई जो जांच करनी चाहिए कर सके, लेकिन हम देखिए उत्तराखंड के लोग हैं, चाहते हैं सहकारिता मंत्री ने, सहकारिता मंत्री 472 पदों को कहते हैं काम कर रहे हैं कि आप उनसे सीबीआई जांच कराएंगे, हम ये पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आपके सहकारिता मंत्री ने 472 नौकरियां बेचने का काम किया, आपके
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे और जहां सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में बाजपुर के किसान जनप्रतिनिधि और चीनी मिल के श्रमिकों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से बाजपुर चीनी मिल की सहकारी अश्वानी को लीज रेंट और पीपीपी मोड पर ना दिए जाने का अनुरोध किया और इस मामले में ज्ञापन भी दिया। तो वही सीएम धामी ने कहा कि किसानों के हितों को लेकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, इसका पूरा परीक्षण करने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड में लोकायुक्त के गठन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है, जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उनकी सरकार ने 2016 में लोकायुक्त की बेंच के लिए अध्यक्ष का नाम फाइनल कर दिया था, लेकिन इसे राजभवन से मंजूरी नहीं मिल पाई। तो वहीं इस ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पूर्व सीएम के इस ट्वीट को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष लोकायुक्त को लेकर इतना ही गंभीर होता तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जनरल खंडूरी की ओर से लाए गए लोकायुक्त को कांग्रेस को लागू करना चाहिए था, जबकि उनकी सरकार आते ही उसे निरस्त कर दिया गया। तो वही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लोकायुक्त पर कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोकायुक्त बिल लेकर आए, उसको पास कराया और उसको देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा और उन्होंने उसकी स्वीकृति प्रदान की। इसी दौरान प्रदेश में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने सरकार बनते ही सबसे पहले जो देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमोदित किया गया लोकायुक्त बिल था, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो वहीं देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विभाग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को सैनिक धाम के अंतर्गत अमर जवान ज्योति जो कि शहीदों के सम्मान में चलती रहती है उसका शिलान्यास किया जाएगा। इसको लेकर बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान गणेश जोशी का कहना है कि अमर जवान ज्योति के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीडीएस चौहान भी शामिल होंगे। सैनिक धाम के निर्माण में जहां शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी से भी धाम का निर्माण हो रहा है, तो वही उत्तराखंड की जो भी पावन नदियां हैं उनके जल से भी सैनिक धाम का निर्माण किया जाएगा। दिसंबर महीने के अंत तक सैनिक धाम बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में मीडिया से बातचीत की, जिसमें धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जितने भी स्कूल जीर्ण अवस्था में हैं और जिन स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है उन सभी स्कूलों के लिए बजट की व्यवस्था के निर्देश पहले ही किए जा चुके हैं। इसके साथ ही धन सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों और सीईओ को स्कूलों की मरम्मत के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में बजट की कोई भी कमी नहीं है और अगर ऐसा कोई भी स्कूल का संज्ञान सामने आता है तो उसको जल्द ही जीर्णोद्धार कराया जाएगा। मैं कह सकता हूं कि हर जिले में जितने भी स्कूलों का आकलन आया है उसके लिए पैसा जारी किया जा रहा है। जहां जहां आकलन आता रहेगा वहां वहां पैसा जारी करते रहे। हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जो भी स्कूल अगर कहें दिक्कत है तो हमारे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है और सभी स्कूलों का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार ने सभी सीओ को भी आदेश दे दिया, जिलाधिकारियों को भी दे दिया।
अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली कांग्रेस नेता पूनम पंडित आज रुद्रपुर पहुंची, जहां एक होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूनम पंडित ने कहा कि राहुल गांधी देश के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आज कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो जनहित के मुद्दों को उठाती है। इस दौरान पूनम पंडित की जुबान फिसली और कह बैठी कि किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर में किसान नेता ब्रजेंद्र सिंह वर्क पर कांग्रेसियों ने थाल चढ़ा दी थी, हालांकि उनके ये कहने के बाद कांग्रेसी असहज हो गए। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हम कि कंफर्म नहीं हो पा रही है। कभी कभी ऐसे होता है, समय के आधार पर लोग बदलाव चाहते हैं। 2014 के बाद में बदलाव हुआ, सरकार बदली, अभी आने वाले समय में अभी फिर जनता बदलाव चाहती है। तो 24 के चुनाव से पहले बहुत मेहनत कर रही है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कोई भी स्टेट हो, तमाम जगह कांग्रेस जो है वो बिल्कुल मजबूत हो रही है। और 2022 में भी इलेक्शन था तो उत्तर प्रदेश में इतना बेहतर हमें रिजल्ट नहीं मिला जितना हम लोग चाह रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं कर रही अगर यूपी में इस तरीके का माहौल रहा, क्योंकि आज भी आप देखें तो 4-5 स्टेट में हमारी सरकार है और आप सत्ताधारी पार्टी जो सरकार इस समय है उनकी सिर्फ 6 स्टेट में, तो कैसे कह सकते हैं कि आप स्टैंड नहीं कर रही है। भारी बारिश उत्तराखंड के लिए आफत बन गई है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। बारिश के कारण यात्रियों के लिए भी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं और इसी बीच बद्रीनाथ हाईवे पर छिनका के पास मलबा आने से मार्ग फिर से बाधित हो गया है। इस मार्ग पर फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है। बता दें कि बीती रात हुई बारिश के बाद जिले की कई सड़कें बंद है, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। रास्ते से मलबा हटाने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। सड़क को जल्द ही सुचारू करने की कोशिश भी की जा रही है। तो छिनका के पास भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हालांकि लगातार मलबा हटाकर नेशनल हाईवे को फिर से बहाल करने की कोशिश जारी है। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पर यह भूस्खलन आया है। तो वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ हेमकुंड आने वाले यात्री इस दौरान फंस चुके हैं। हालांकि लगातार मलबे को हटाने की कोशिश जारी है और दोबारा से नेशनल हाईवे को बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं लक्सर तहसील परिसर में आज लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कानून को कार्यालय में चल रही हड़ताल का कड़ा विरोध किया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा और मॉनसून के चलते 16 जून को आदेश जारी किया था कि आगामी 6 महीने तक कोई भी हड़ताल नहीं की जाएगी। तो वहीं हड़ताल पर रोक के बावजूद तहसील में रजिस्ट्रार कानून को कार्यालय में हड़ताल चल रही है। इतना ही नहीं, निस्तारण के अभाव में तालाबंदी तक की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिस पर एडवोकेट एसोसिएशन भड़का हुआ है। 1.5 महीना हो गया, उसमें डीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, एसडीएम साहब के भी आदेश हो रखे हैं, उसमें कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा है। मेरा गांव तुगलपुर है, नाम मेरा भूपेंद्र है, जिला हरिद्वार है। साहब मैं यहाँ चक्कर काटते काटते ना कोई पटवारी कोई जवाब दे रहा है इस बारे में। एसडीएम साहब ने नायब तहसीलदार को आदेश कर दिए थे, उसमें पहले डीएम ने किए एसडीएम को, एसडीएम ने नायब तहसीलदार को किए, अभी तक उसमें 1.5 महीना मुझे चक्कर काटते काटते हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब उसमें। पहली बात तो ये, जैसे मान लिया अभी हमारे यहाँ कावड़ चल रही है, इन सब लोगों की ड्यूटी लग रही है, ये हम लोगों की क्या गलती है जो हड़ताल कर बैठे हैं? करे तो भैया सीधे सीधे उनसे करे, हड़ताल क्यों करे? काम करे, सरकार के खिलाफ करे जो करना है ना। ये तो कोई तरीका नहीं है भाई, जो भी आवा यहाँ से हर बार ये सारी साइड तहसील है, सबकी ड्यूटी तो लगा रखी है, कावड़ में लगा दीजिए, किसी को वहाँ लगा दीजिए, इन लोगों का क्या मतलब कावड़ सर उससे? और या ये जो इस प्रकार के हो रहे, ये बात ठीक नहीं है, ये यहाँ का विरोध हो रहा है। और ये तहसील तो ऐसे होगी जैसे तहसील है ही नहीं, जब अधिकारी नहीं होंगे तो क्या होगा? यह है कि ये हमारे तहसील परिसर में जो अंदर कार्य कर रहे हैं रजिस्ट्रार कानू को, इन्होंने लगभग 1 महीने से हड़ताल पे हैं ये, और उसकी वजह से दाखिल खारिज नहीं हो पा रहे हैं। इससे पूरे वादकारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान है और बेहाल है, कामकाज बिल्कुल तहसील का ठप हुआ पड़ा है। और जबकि राज्यपाल ने 16 जून 2023 से
सिर्फ आदेश कर रखा है बिल्कुल क्लियर इसमें कि 6 महीने तक कोई कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाएगा, लेकिन उन्होंने उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए साफ साफ इसमें ये हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इसके बारे में कोई कार्य नहीं कर रही है, ना कोई इनके खिलाफ कोई कार्य कर रही है, ना राज्यपाल इन पे कोई कार्य कर रहे हैं, इनकी मनमानी चल रही है। हरिद्वार के हितमपुर गांव में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल आपके द्वार आपकी सरकार के तहत जनता दरबार लगाया, जिसमें ग्राम प्रधान सहित सभी लोग शामिल हुए। इस दौरान डीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर निवारण भी किया। तो वहीं धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम जिले की अन्य पंचायत और गांव में भी आयोजित करने की योजना है। करते हैं जिला स्तरीय जितने भी हमारे अधिकारी हैं उस रोस्टर के तहत उस गांव में जाते हैं, तो मेरे अलावा और जो जनपद के अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमण पे हैं, तो वो लोग भी अपने अपने गाँव में गए हैं, तो एक रिपोर्ट सबके फिर डिस्ट्रिक्ट की कंपाइल होती है, फिर वो शासन को जाती है और शासन में किन किन समस्याओं के निदान के लिए हमें शासन की आवश्यकता होगी उसके लिए हम लोग फिर शासन को अप्रोच करते हैं, और जिला स्तर पर अगर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो उसको जिला। नैनीताल में हाई कोर्ट के लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। इसके तहत 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई। तो वहीं हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। बता दें कि लोअर पीसीएस के पदों के लिए मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पहले राज्य सरकार ने दिव्यांग आरक्षण कोटे के 6 पदों को वापस कर दिया था, जिस पर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। तो वहीं इस याचिका पर आज सुनवाई की गई, जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए लोअर पीसीएस पदों के भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हल्द्वानी में मॉनसून सीजन में सिंचाई विभाग की नहरों की साफ सफाई नहीं होने से किसानों के साथ साथ आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, सिंचाई विभाग की नहर जगह जगह से कचरे के ढेर में बंद है और कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में नहर से बहने वाला पानी सड़कों के अलावा किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे किसानों के सामने सिंचाई की समस्या खड़ी हो रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं। तो वहीं इस मामले में जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि जहां जहां नहरें क्षतिग्रस्त या बंद हैं, उनको ठीक करने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग को हमने जो बंद नहरें हैं, जो कूड़े कचरे मलबे इत्यादि के कारण बंद हुई है, उनको सफाई करवा के खुलवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो नहरों में टूट फूट इत्यादि की समस्या आई है, अभी मेरे पास जो इश्यूज रिफ्लेक्ट हुए हैं, मैं विभाग के अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण के लिए भेजूंगी और जहां हम रिस्टोर तत्काल करा सकते हैं उनको रिस्टोर कराएंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।